वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ के सोशल स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है हॉट डेजर्ट। और यहाँ इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे लाइफ इन द रीजन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ की प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन डेजर्ट एरियाज, जिसमें कि हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग, फार्मिंग और माइनिंग के बारे में। और उसके बाद लास्टली हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न लाइफ इन हॉट डेजर्ट, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने मॉडर्न लाइफ को इस तरीके के क्लाइमेट के साथ एडॉप्ट किया है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, हॉट डेजर्ट। जब हम बात करते हैं यहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, तो यह इक्वेटर से 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट किया गया है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले इन दो जोन्स के नाम से जानते हैं। ये रीजन अर्थ के सबसे हॉटेस्ट रीजन है, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। यह वो रीजन है जहां रेनफॉल यूजुअली, मतलब कि आम तौर पर 25 डिग्री सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत ही कम है। जो और यहां का जो वेदर जो नोट किया गया है वो काफी एक्सट्रीम टाइप का होता है, जहां पे दिन बहुत ही गर्म और रातें बहुत ही ठंडी होती है। अगर हम बात करें समर्स की, तो समर्स में भी यहाँ पर रातों का जो टेम्परेचर होता है वो न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर पहुँच जाता है। और कई ऐसे डेजर्ट एरिया हैं जहाँ पे बारिश एकदम न के बराबर होती है, और कई सारे डेजर्ट एरिया तो ऐसे भी हैं जहाँ पे हर वर्ष बारिश होती भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट के बारे में, तो यहाँ पर कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है। दुनिया में इसके अलावा भी कई सारे मुख्य डेजर्ट हैं, जैसे द सहारा एंड कलाहारी डेजर्ट जो कि अफ्रीका में स्थित है, उसके बाद द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, द मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको, द थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड लास्टली अरेबियन डेजर्ट इन सऊदी अरेबिया। तो ये कुछ मुख्य नाम है उन डेजर्ट एरियाज के बारे में, डेजर्ट एरियाज के जो पूरी दुनिया में स्थित है। अब हम बात करेंगे यहाँ के रीजन की प्लांट लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो इस तरीके की कंडीशन को, एक्सट्रीम क्लाइमेट को एडॉप्ट करें, इस टाइप के प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसका रूट सिस्टम जो होता है वो डीपली पेनिट्रेटेड होता है, जिससे वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सके। और यहाँ पर कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम काफ़ी थिक और फ्लैशी पाई जाती है टू स्टोर वाटर इनसाइड देम, जैसे कि कैक्टी, ठीक है। इसके बाद कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फाइबर युक्त यानी कि फिब्रस होते हैं, और जिनके लॉन्ग थोन्स यानी कि कांटे वाले होते हैं, और जिनके ऊपर वैक्स कोटिंग किया गया होता है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो पत्तियों के सरफेस पे जो पानी इवेपरेट होने की जो प्रोसेस होती है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में न हो, इससे प्लांट्स को बचाने के लिए इन पर काफ़ी थिक लेयर होती है वैक्स कोटिंग की, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस काफ़ी लो होती है, जिसमें कि प्लांट का मॉइस्चर बना रहे। जिससे फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो होता है एकाशिया, फिर बोबाब ट्री जो कि कलाहारी डेजर्ट और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में पाया जाता है, जिसे हम बॉटल ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता होती है
कि ये जितना पुराना होता जाता है उतना ही अंदर से हॉलो यानी कि गहरा होता जाता है, और इसका शेप जो है वो एक बैरल यानी कि अंदर से काफ़ी हॉलो बर्तन के जैसा बनता जाता है, और ये अपने अंदर लगभग 1000 लीटर तक पानी इसके हॉलो ट्रंक के अंदर स्टोर करके रख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे श्रब्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रिकली पियर, डेजर्ट हॉली और ब्रिटल ब्रश, जो यहाँ के डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। और कई सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, जो कि ड्रॉट के टाइम पर भी यानी कि सूखे में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए एफिशिएंट होते हैं, और इसी वजह से इन प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के एनिमल लाइफ के बारे में, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया कि बहुत ही एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर कई सारी लिमिटेशन पाई गई है एनिमल्स की। पर फिर भी यहाँ पर जो मुख्य एनिमल लाइफ पाई जाती है वो है कंगारू, रैट, जैक रैबिट, स्कॉर्पियन एंड लिजार्ड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल जो यहाँ पे होता है, जिसे हम कहते हैं, जानते हैं शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से, जो है कैमल। और इस एनिमल की खास बात यह होती है कि ये कई दिनों तक बिना पानी के डेजर्ट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए विदाउट फूड एंड वाटर एबल होता है। ये एनिमल जो है वो अपने हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है, और इसके जो पैर होते हैं यानी कि इसके बहुत ही लंबे पैर होते हैं जो कि पैडेड फीट होते हैं, जिससे कि रेगिस्तान में चलने के लिए उसको आसानी रहे, ठीक है, विच हेल्प इट टू वॉक इजिली इन द सैंड, राइट। देन नेक्स्ट इज इसकी जो आईलैशेस होती है यानी कि जो अपनी पलकें होती है वो भी काफ़ी थिक होती है, जो रेगिस्तान में आने वाली जो सैंडस्टॉर्म्स होती है यानी कि जो तूफान आता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो एबल होती है, जिससे कि इसकी आंखों में सैंड न जाए, इससे वो बचाती है। इसकी लिप्स जो होते हैं वो काफ़ी कुशनी होते हैं, कुशनी यानी कि मोटे होते हैं, और उसके स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं यानी कि उसका जो जबड़ा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो इसको मदद करता है थॉर्नी बुशेस और कैक्टस जैसे प्लांट्स को चबाने में। इसके चेहरे की बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि ये जब थॉर्नी बुशेस या प्लांट्स को चबाए तो इसको कोई हार्म न हो, ठीक है, इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉ और कुशनी लिप्स इसके होते हैं, जिससे कि वो उसको हर्ट ना हो, उसको अपने आप में इन पेड़ पौधों को चबाने में कोई हर्ट न हो। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की ह्यूमन लाइफ के बारे में। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि डेजर्ट के लोगों का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी हॉस्टाइल यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्रेसिव या अनफ्रेंडली टाइप का होता है। डिस्पाइट दिस यहाँ का कल्चर जो है वो काफ़ी रिच माना जाता है। यहाँ पर जो लोग हुए, जो इनहेबिटेंट्स यहाँ पर रहे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेडुइन, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया के इनहेबिटेंट्स थे, और तुरेग्स ऑफ वेस्टर्न सहारा, हैव अ वाइब्रेंट कल्चर और ट्रेडिशन यानी कि इनका जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी रिच रहा। और यहाँ के लोगों का जो मुख्य ऑक्यूपेशन यानी कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए जो कारोबार है वो है फार्मिंग यानी कि खेती, माइनिंग यानी कि खुदाई, और रियरिंग यानी कि जानवरों का पालन पोषण। तो ये यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग कई सारे पेट्स अपने घरों में अपने साथ रखते हैं, जैसे कि शीप्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो मोस्टली मूविंग होते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड पास्चर फॉर देयर कैटल्स। अब हम लोग जानने वाले हैं डेजर्ट एरिया में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो
यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है वो है ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो है रग, यानी कि दरिया बनाने का। दूसरा जो ये ट्रेडिंग करते हैं वो है डेट्स की, यानी कि खजूर की। फिर फूड ग्रेन्स, कारपेट्स, ये सारे यहाँ के मुख्य व्यवसाय माने जाते हैं। और यहाँ पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स अपने गुड्स को सेल करने के लिए कैमल्स का उपयोग करते हैं, जिनको हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। तो इन कैमल्स के बैक पर अपना सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम ये ट्रेडर लोग करते हैं। नेक्स्ट जो इनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो है फार्मिंग, यानी कि खेती। अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्मिंग के बारे में। तो यहाँ पर ओआसिस फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। इसका मतलब होता है, ओआसिस जो होता है वो लैंड एरिया होता है डेजर्ट का, जहाँ का लैंड फर्टाइल हो, ग्रीन हो, जो कि प्लांट्स को लगाने के लिए या ग्रो करने के लिए एक फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है, तो उस जगह पर ही एग्रीकल्चर या फार्मिंग यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ समर की जो मेन क्रॉप्स होती है वो होती है राइस, मिलेट्स एंड मेज। और वहीं विंटर की अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट और बार्ले। बार्ले एक तरीके के व्हीट जैसा ही एक दूसरा ग्रेन होता है। फिर बीन्स यानी कि फलियां, और लेंटिल्स यानी कि दालें जो हैं वो पाई जाती हैं। डेट पाम यहाँ का सबसे कॉमन ट्री है जो डेजर्ट में पाया जाता है, जिसमें कि एक स्वीट फ्रूट यानी कि एक मीठा फल लगता है जो खाया जाता है। डेजर्ट एरिया में जो है वो ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है, और इसका क्रेडिट जाता है आजकल जो मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन की उसको। ये फार्मिंग जो है वो इम्पीरियल वैली कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस करी जाती है, और दूसरे भी कई हिस्सों में प्रैक्टिस करी जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, अफ्रीका, ईस्टर्न सहारा और थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं डेजर्ट या ड्राई फार्मिंग के, जहाँ पर ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ के नेक्स्ट ऑक्यूपेशन के बारे में, जो कि है माइनिंग, यानी कि खुदाई। माइनिंग यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, जो कि यहाँ के डेजर्ट के लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम और कई सारे आयरन, लीड, जिंक, ऑर्स, ये सारे डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में ये मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट में जो माइनिंग होती है वो होती है कॉपर की, पेट्रोलियम की, आयरन ओर की और नेचुरल गैस की। लास्टली अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ के मॉडर्न लाइफ के बारे में है, जो यहाँ के डेजर्ट में रहने वाले लोगों द्वारा अडॉप्ट की गई है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इरिगेशन सिस्टम को लेकर, जो कि लोगों ने कई सारी ऐसी एडवांस इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से वो वाटर शॉर्टेज को इस प्रॉब्लम से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से निजात पा सके, उससे छुटकारा पा सके उसके लिए। दूसरे जो मेथड है वो खारे पानी को डीसालिनेशन, यानी कि उसमें से नमक की मात्रा को कम कर उस पानी को पीने योग्य बनाने की जो प्रोसेस इनटू पोटेबल वाटर, यानी कि पीने योग्य बनाने के लिए जो प्रोसेस करी जाती है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होती है, जिसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले डेजर्ट एरिया में ज़्यादा अभी तक पॉपुलर है, जो यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। डेजर्ट एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए कई सारे फ्लाईओवर्स और रोड कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बट इवन दो आज भी लोग कैमल्स का यूज़ करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, क्योंकि हर कोई अभी भी मोटर व्हीकल्स अफोर्ड करने के कंडीशन में जो लोग नहीं हैं वो अभी भी कैमल्स का यूज़ करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो
ये यहाँ पर तीन वेज बताए गए हैं जिसको लोगों ने अडॉप्ट किया है इस क्लाइमेट में अपने आप को सेट करने के लिए। यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।